अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज में लूप्स का किरदार देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, सकते हैं और कहाँ हमें ये फायदा पहुँचाती है। व्हेन वी नीड टू रिपीट एनीथिंग देन वी मस्ट यूज लूप, यानी जब भी हमें किसी भी चीज़ को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है तो हम जो है हमेशा लूप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इसके लेते हैं कि इफ़ वी वॉन्ट टू राइट पाकिस्तान 1000 times और मोर देन 1000 times तो हम क्या करेंगे, लूप के ज़रिए से इसको जो है वो प्रिंट कराएंगे सी लैंग्वेज के अंदर, इसके कि हम इसको जो है वो 1000 times प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखें। हम एक सिंगल लूप यूज़ करेंगे और सिंगल टाइम जो है वो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और 1000 times जो है हमारा पाकिस्तान लिखा जाएगा। और ये आ गए हम कोड ब्लॉक में। यहाँ हम सबसे पहले जो है वो डिफाइन करेंगे लूप उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक जिसके मुताबिक मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया। इंट आई टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वन से उसको इनिशियलाइज करेंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू 200 times अभी फिलहाल हम लिखते हैं ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो पूरा आ जाए। उसके बाद हम इसमें इंक्रीमेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट और इसके अंदर हम लिख देंगे पाकिस्तान। अब क्या होगा, हमारी लूप जो है वो 200 times चलेगी, काउंटर का है वो काम परफॉर्म करेगी लूप, वन से लेके 200 times चलेगी और पाकिस्तान जो है वो 200 times इसको लिख देगी। अब हम चलते हैं और इसको बिल्ड और रन करते हैं प्रोग्राम को। और ये देखें जी, ये आ गई हमारी आउटपुट विंडो और ये 200 times जो है ये पाकिस्तान लिखा गया है। इसमें स्केप सीक्वेंस नहीं लगाया इसलिए ये एक ही लाइन से स्टार्ट हुआ है और कॉन्टीन्यूस ये जो है वो चलता गया। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ फॉर लूप का इफेक्ट क्या होता है। हम विदाउट फॉर लूप इसको लिखेंगे तो ये हमारा जो है वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। अब देखिए मैंने फॉर लूप को कमेंट बना दिया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब मैं इसको बिल्ड और रन करती हूँ तो नाजरीन ये देखें ये पाकिस्तान सिंगल टाइम हो गया। फॉर लूप को मैंने जो है कमेंट हटाया इसका, अब ये एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ मैं 1000 times लिख दूँगी तो 1000 times जो है वो हमारा लिखा जाएगा। अब बहरहाल यहाँ मैं स्केप सीक्वेंस लगा रही हूँ स्लैश एन ताकि वो एक लाइन में एक ही पाकिस्तान लिखा जाए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखें जी हमारी आ गई आउटपुट विंडो। अब यहाँ जो है वो स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे जाके देख सकते हैं कि जी आपका कितने टाइम जो लिखा गया है। इसकी हम एक और वेरिएशन देखते हैं, यहाँ मैं स्लैश एन की जगह ताकि आपको पता चल जाए कि ये 100 times कैसे आता है, मैं यहाँ स्लैश टी लगा देती हूँ और फिर आप इसका जो है वो इफेक्ट देखिएगा। ये देखें नाजरीन, अब मैंने स्लैश टी के साथ लगाया तो इसने ये लाइन स्क्रीन की पूरी करके फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया। कि अगर फॉर लूप के बाद आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो, स्टेटमेंट्स हैं उनको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं। ये नीट कर रही हूँ, जब भी आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सिंगल फॉर लूप के अगेंस्ट तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि वो एक ब्लॉक बन जाए। यहाँ मैं एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा देती हूँ, जी लगा देती हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद अगेन मैं जो है इसके अंदर स्लैश टी लगा देती हूँ, स्लैश टी लगा के और यहाँ लगाया हमने सेमी कॉलन। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं 1000 times लगा देती हूँ, राइट राइट। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ बिल्ड एंड रन और ये हमारी आ गई जी आउटपुट विंडो। ठीक है जी, ये आपने देखा पाकिस्तान और हेलो वर्ल्ड, पाकिस्तान और हेलो वर्ल्ड जो है स्लैश टी के इफेक्ट से किस तरह आया है आपका 1000 times, राइट। तो ये देखें, ये मैं स्क्रॉल बार को करके ये आपके 1000 times पूरे हो जाएंगे। स्क्रॉल बार मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये आपके जो है 1000 times आपको दिखा रही है, राइट। तो ये थे हमारे फॉर लूप का जो है स्ट्रक्चर, किस तरह से फॉर लूप काम करती है, किस मकसद के लिए हमारे ये यूज़ होती है और इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फॉर लूप को अरे के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। 2-dimensional अरे के साथ जो है फॉर लूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, 1-dim अरे के साथ भी होता है। पहले हम 1-dim करेंगे और फिर हम जो है वो 2-dim अरे करेंगे। आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक एंड प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।